ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक विद्वान इमाम मोहम्मद तौहीदी ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन कश्मीर उसका हिस्सा ना कभी था और ना कभी होगा। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की ओर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच अब अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई इस्लामिक विद्वान ने पाकिस्तान को यह कहकर स्तब्ध कर दिया है कि कश्मीर कभी भी उसका हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने के बाद पाकिस्तान जिस तरह से विरोध जता रहा है वह सही नहीं है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। खुद को सुधारवादी इमाम बताने वाले इमाम मोहम्मद तौहीदी ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और कश्मीर दोनों ही भारत के अंग हैं। इमाम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म से इस्लाम ग्रहण करने वाले मुसलमान यह तथ्य कभी नहीं बदल सकते कि पूरा इलाका हिंदू भूमि वाला क्षेत्र है। भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि इस्लाम से भी पुराना है, इस संबंध में ईमानदार रहें। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तान ने मंगलवार को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष को आपात बैठक आयोजित करने के लिए UNSC में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलेहा लोधी के जरिए एक औपचारिक चिट्ठी लिखी है। कुरैशी ने यह भी कहा है कि ये चिट्ठी UNSC के बाकी सदस्यों को भी भेजी जाएगी। तो दोस्तों, इस विद्वान ने पाकिस्तान को जो उसकी औकात दिखाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।